इस मेडिटेशन को करते हुए कोई गाड़ी ना चलाएं या कोई हैवी मशीनरी या किसी भी इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल ना करें। प्लीज बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठ जाएं। चाहें तो आप लाइट धीमी कर सकते हैं या बंद कर सकते हैं अपने कमरे की, जिससे कि आप सिर्फ मेरी आवाज से जुड़े रहें। आपका खाली स्क्रीन ऑन रहेगा, इतनी लाइट काफी है। आपको एक कंफर्टेबल पोस्चर में बैठना है, तो कुछ भी ऐसा पोस्चर मत ट्राई कीजिए जो आपने आज तक नहीं किया। कई लोग चाहते हैं पद्मासन में बैठना, मगर अगर आप अनकंफर्टेबल हैं तो वो मैं सलाह नहीं दूंगी। सुखासन में बैठिए, जिससे कि आप लंबे अरसे तक बैठ सकें। तो प्लीज इसका ध्यान रखें और अपना, आप चाहें तो एक कंफर्टेबल जमीन पे बैठ जाए। जब भी आप मेडिटेशन करते हैं, कुछ थोड़ा ऊनी या वुलन वॉर्म कपड़े के ऊपर बैठ के करना चाहिए। कभी भी मेडिटेशन जमीन के ऊपर डायरेक्टली बैठकर नहीं करनी चाहिए। तो एक कारपेट हो सकता है, या ऊनी हो सकता है, या एक चटाई हो सकती है, उसके ऊपर ही बैठे। प्लीज प्लास्टिक पे डायरेक्टली ना बैठे। ये थोड़ी बहुत चीजें हैं जो आपको बता रही हूँ। और उसके बाद एकदम से नंगे पैर ना घूमें। आपको अपने पैर हमेशा उस समय थोड़े कवर्ड रखने चाहिए, क्योंकि एक एनर्जी आपके शरीर में घूमने लग जाती है। या अगर आपको बैठने में दिक्कत है तो किसी कुर्सी पर बैठ जाइए, मगर कमर को सीधी रखिए। पैर क्रॉस ना करें, हाथ क्रॉस ना करें। अपने आप को एक ओपन स्टेट में रखें। ओपन स्टेट मतलब हाथ ऊपर की तरफ। जब हम रिसीव करना चाहते हैं तो हम अपने हाथ खोल के रखना चाहते हैं, और जब हम अंदर में जाना चाह रहे हैं तो हम अपने हाथ उल्टा रख सकते हैं। तो अभी मैं आज आपको ज्यादा ये नहीं बोलूंगी, ज्ञान मुद्रा आप जब अपने आप करें तो आप ज्ञान मुद्रा में रह सकते हैं, मगर आज के लिए आप बस रिलैक्स करें, ओपन हाथ करके छोड़िए, क्योंकि मैं खुद गाइड कर रही हूँ आपको। तो आपको वो नहीं करना, शरीर पर ध्यान बिल्कुल नहीं देना, उसको कंट्रोल करना मेरा काम है। आपसे इजाजत लूंगी कि आप लोग मुझे अलाउ करें अगले 40-45 मिनट, अगले एक घंटे के लिए घर में सबको मना कर दे कि कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, ठीक है। किसी भी तरह के मेटल या गहने उतार दें, साइड में रख दें, अभी आपको जरूरत नहीं है। फोन को साइलेंट पे कर दे और सिर्फ मुझसे जुड़े रहिए। तो अपने कंफर्टेबल पोस्चर में बैठ जाएं। आप अपने हाथ अपने गोद में रख सकते हैं इस तरह से, ये भी एक तरीका है। अपने दोनों फिंगर्स अंदर एक दूसरे में भर लीजिए और यहाँ पे अपने दोनों अंगूठे एक दूसरे से टच होने दीजिए, और इन हाथों को आराम तरीके से, आरामदायक तरीके से अपनी गोद में गिरने दीजिए, ठीक है। और बहुत ही सरल भाव में रहेंगे। प्लीज किसी तरह की टेंशन नहीं लेना, हम इसको टेंशन रिलीज करने के लिए कर रहे हैं। तो प्लीज अपने आप को ओपन करिए, अपनी दोनों आंखें बंद कर लीजिए और मुझे इजाजत दीजिए कि मैं आपको गाइड कर सकूं आज की मेडिटेशन में। एक लंबी गहरी सांस शरीर में भरिए और इस सांस को रोक लीजिए शरीर में, और आप सांस को मुंह से छोड़िए और शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। एक और लंबी गहरी सांस भरिए एंड रुक के आप एक्सहेल, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए, बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। एक और बार एक लंबी गहरी सांस भरिए और इस बार इस सांस को अपनी कमर के नीचे तक जाने दीजिए। रोकिए इस सांस को, आराम एक्सहेल करिए, मुंह से सांस छोड़ते हुए सारे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। और अब ऑब्जर्व कीजिए कि सांस किस तरह से अपने आप शरीर में आ रही है और अपने आप शरीर से बाहर जा रही है। हर पल किस तरह से सांस बिना आपके किसी नियंत्रण, किसी ध्यान में अपने आप शरीर में आती है और चली जाती है, और हर वक्त आपको जिंदा और खुश रख रही है। सबसे पहले हम अपने इस शरीर का शुक्रिया अदा करेंगे, जिसकी वजह से हम जो भी हैं वो हैं, हम इस पल को जी पा रहे हैं, हम जिंदगी देख पा रहे हैं। इसको शुक्रिया अदा करने के बाद हम अपने दिमाग को शुक्रिया अदा करेंगे,
जिसकी वजह से शरीर के सारे फंक्शन खुद ब खुद हो रहे हैं, किसी तरह का नियंत्रण करने की जरूरत नहीं है। फिर हम अपनी स्पिरिट को, अपनी आत्मा को शुक्रिया अदा करेंगे जिसने आपके शरीर को चुना ताकि वो अपना पर्पस पूरा कर सके और हर वक्त आपका ध्यान रख रही है। उस अंतर आत्मा की तरह वो आप तक वो सारी इंफॉर्मेशन पहुंचा रही है जो आपको बेहतर जिंदगी की तरफ ले जाती है। एक लंबी गहरी सांस भरते हुए चेहरे पर एक मन सी मुस्कान आने दें। एक्सहेल और शरीर को रिलैक्स करें। अब अपना शुक्रिया अदा कीजिए अपने माता पिता को, अपने टीचर्स को, अपने गुरुओं को शुक्रिया करिए जिनकी वजह से आप आज ये सब कुछ सुन के समझ पा रहे हैं। उन माता पिता का शुक्रिया अदा कीजिए जिनकी वजह से आज आप खुद को काबिल महसूस करते हैं, खुद का ध्यान रख पाते हैं, जिन्होंने आपको पैदा किया और आपका ध्यान। अपने इस घर को, इस कमरे को शुक्रिया अदा कीजिए जिसमें आप सेफ हैं और अपने आप को एक बेहतरीन स्थिति में ले जाने के लायक हैं। अपने परिवार के हर व्यक्ति को शुक्रिया अदा कीजिए किस तरह से वो किसी भी तरह का सपोर्ट देकर आपकी जिंदगी आसान बनाते हैं। और अब धीरे धीरे हम अपना ध्यान अपनी सांस पर लेकर जाएंगे। ध्यान दीजिए कि सांस आपकी गहरी है या हल्की है, क्या ये सांस पेट तक जा रही है या पैरों तक जा रही है या गले और छाती तक जा रही है। अब मैं चाहूंगी आप अपना सारा ध्यान अपने दाएं पैर पर ले जाएं। अपने दाएं पैर की हड्डी, मांसपेशियां, तलवे, घुटने, एड़ी, पिंडली, जांघों पर ध्यान ले जाएं। ध्यान दें किस तरह का तनाव यहाँ पर है। उस सारे तनाव को खींच के अपने तलवों तक ले जाएं। और अगली सांस को छोड़ते हुए मैं कहूंगी रिलैक्स और आप उस पूरे एरिया को ढीला छोड़ देंगे। रिलैक्स ना, ढीला छोड़ दें बिल्कुल अपने दाएं पैर को, दाएं घुटने को, पिंडलियों को बिल्कुल ढीला छोड़ दें और जहां पे भी आप आराम कर रहे हैं वहां नीचे की तरफ गिरने। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। अब अपना ध्यान अपने बाएं पैर पर ले जाएं। देखिए क्या अंतर है दोनों पैरों के वजन में। अपने बाएं पैर के घुटने, कंधे, टांगों पर ध्यान ले जाएं और यहाँ पे भी एकत्रित किसी भी तरह का तनाव, भारीपन सब नीचे को बहने दें, बहने दें, बहने दें। और अगली सांस छोड़ते हुए इसे भी पूरी तरह से ढीला छोड़ दे और रिलैक्स करने दे। रिलैक्स नाउ, रिलैक्स। लंबी गहरी सांस पूरे कमर तक ले जाए। सांस को मुंह से छोड़िए और आप सांस अपने आप अंदर और बाहर जाने दीजिए। एक मन सी मुस्कान अपने चेहरे पर हमेशा कायम। अपना ध्यान अपने कमर के निचले हिस्से, अपने नाभि के नीचे वाले हिस्से तक ले जाएं। अपने हिप, अपने पेट, पूरा लोअर एब्डोमेन का इलाका, पूरे क्षेत्र पे ध्यान दें। यहाँ पे मांसपेशियों में किसी भी तरह का तनाव है उसे महसूस करें और लंबी सांस इस तक ले जाए और
अगली सांस छोड़ते हुए इसको भी नीचे की तरफ गिरने दें, सारे तनाव को बहने दें बाहर शरीर के, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, पूरा एरिया ढीला छोड़ दें, बिल्कुल ढीला छोड़ दें, बिल्कुल रिलैक्स। हम अपना ध्यान अपनी नाभि, नाभि के ऊपर, अपनी अंतड़ियां, किडनी, लिवर, पेट, अपने कमर के बीच के भाग पर ध्यान दें। यहाँ की मांसपेशियों में किसी भी तरह का तनाव हो, भारीपन हो, तो उसको अब सांस लेकर बिल्कुल ढीला छोड़ दें, अगली सांस के साथ गिरने दें उसे नीचे, शरीर को बिल्कुल ग्रेविटी के साथ नीचे जाने दे, बिल्कुल रिलैक्स नाउ, रिलैक्स नाउ, रिलैक्स नाउ। कितना आनंद फील हो रहा है। अब सांस अपनी छाती में रखिए, अपने चेस्ट में, अपने रिब केज में, अपने कंधों में, अपनी कमर के ऊपरी भाग में देखिए सांस जा रही है और आ रही है। अपने हृदय के पास, लंग्स में, फेफड़ों में इस सांस को भरते हुए देखिए। इधर की मांसपेशियों में किसी भी तरह का तनाव हो तो उसे महसूस करिए और अब धीरे धीरे उस सारे तनाव को नीचे बहने दीजिए, जमीन में जाने दीजिए, बहने दीजिए इसे नीचे। और अब इस हिस्से को भी पूरी तरह से ढीला छोड़ दें, रिलैक्स कर दें, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। अपना ध्यान अपने दाएं हाथ, दाएं बाजू पर ले जाएं, कोहनी, हथेली, बाहों में हो रहे खून के प्रवाह पर ध्यान दें, मांसपेशियों पर ध्यान दें, किसी भी तरह का भारीपन तनाव यहाँ पर महसूस करें। और अब अगली सांस छोड़ते हुए इसे बिल्कुल ढीला अपने शरीर पर गिरने दें, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, ढीला छोड़ दें, बिल्कुल ढीला। आप बहुत ही सेफ एनवायरनमेंट में हैं, बिल्कुल ढीला छोड़ दें इसे। अब अपना ध्यान अपने बाएं हाथ, हथेली, बाहों पर ले जाएं। यहाँ पे भी हो रहे खून के भाव को देखें, मांसपेशियों को महसूस करें, किस तरह की हरकत यहाँ हो रही है। कनेक्ट करने के बाद अगली सांस के साथ यहाँ से भी सारा तनाव बाहर निकाल दे, छोड़ दे, ढीला छोड़ दे से अपने हाथ को, अपने शरीर पे बिल्कुल बहने दे, गिरने दे। अपना ध्यान अपनी गर्दन, गले पर ले जाएं, अपने दांतों पे, अपने जबड़े पर ले जाएं, अपने दांतों को ढीला छोड़ दें, भीचे नहीं। अपने कानों पे, कानों के आसपास की सारी मांसपेशियों पर ध्यान दें, इस हिस्से को भी बिल्कुल आरामदायक तरीके से ढीला छोड़ दें, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। अपने माथे पर ध्यान ले जाएं, माथे को भी पूरी तरह से पिघलने दें, नीचे बहने दें, ताकि आपको किसी भी तरह का तनाव पिघलने दो उसे और नीचे बहने दो। अपना ध्यान अपने गालों पर ले जाएं, लंबी सांस भरते हुए देखिए एक सफेद रंग का प्रकाश पूरे चेहरे में भरे जा रहा है, आपके गालों में एक नई तरह की स्पेस क्रिएट कर रहा है। अपनी मुस्कान बरकरार रखें और देखें अपनी आंखों पर यहाँ पे भी हो रही किसी भी हरकत को देखें, यहाँ किसी भी तरह का तनाव हो तो उसे भी बिल्कुल धीरे से नीचे की तरफ छोड़ दें, रिलैक्स करें, आंखें और बंद कर लें और दोनों पुतलियों को भावों के बीच अपने
आज्ञा चक्र पर केंद्रित करते हैं और बस इसे आरामदायक स्थिति में वही रखें, क्योंकि अब ये आंखें आपको और गहरे और शांत स्थिति में और गहरे ध्यान में ले जाती जाएंगी। बाहर की सारी आवाजों से अपना ध्यान हटा के सिर्फ और सिर्फ मेरी आवाज से जुड़ जाएं और अपने शरीर के इस हल्केपन को महसूस करें, इस तरह से आपके कंधे, आपके पैर, आपकी कमर आरामदायक स्थिति में आ चुकी है। अब अपने शरीर को एक सफेद रंग के प्रकाश से घेर लें, एक खूबसूरत प्रकाश जो आपको हमेशा सेफ रखेगा, शांत रखेगा जब भी आप मेडिटेशन करें। एक लंबी गहरी सांस भरते हुए इस प्रकाश को और शांत और गहरा होते देखिए और अपने अंदर एक अच्छे से भाव को आने दीजिए और अपने मन में ही कहिए, मैं तैयार हूँ अपने चक्रों को पूरी तरह से बैलेंस करने के लिए और अपनी बेहतरीन जिंदगी में कदम रखने के लिए। अब मैं तैयार हूँ। अब हम अपना ध्यान अपने रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल निचले हिस्से पर ले जाएंगे, हिप के बीच में जहाँ पे हमारे टेल बोन है, आखिर के हिस्से में रीढ़ की हड्डी की, और यहाँ पे हो रही किसी भी सेंसेशन को, किसी भी हरकत को महसूस कीजिए। यहाँ आपके चार पंखुड़ी वाला मूलाधार चक्र यहाँ पर है। इस चक्र की ऊर्जा लाल रंग की है। समझने की कोशिश कीजिए कि ये चक्र कैसा महसूस हो रहा है, क्या ये साफ है या इस पे कुछ काम करने की जरूरत है, क्या यहाँ पर किसी भी तरह का तनाव महसूस हो रहा है, किस तरह की ऊर्जा आपको दिख रही है। और अपनी सांसों को ही दिव्य शक्ति मानते हुए हमें लंबी गहरी सांस अपने रीढ़ की हड्डी के अंत तक अपने मूलाधार चक्र में भरेंगे और हर सांस के साथ हम अपने इस चक्र को शांत, साफ, बैलेंस करते हुए जाएंगे, जिससे कि ये चक्र क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आराम से घूमे और आपकी जिंदगी में एक बेहतरीन कनेक्शन लाए। सांस भरते हुए सारी ऐसी ऊर्जा जो आपको फायदा नहीं दे रही है, जो आपकी जिंदगी में योगदान नहीं दे रही है, उसे साफ होने दें। देखिए कि वो हर सांस छोड़ने पर बाहर चली जा रही है और ये चक्र हर सांस के साथ और खूबसूरत और लाल रंग से प्रकाशित हुए जा रहा है, चलता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। लाल रंग की ऊर्जा आपके पूरे मूलाधार में भर गई है। अब आप अपने आप को सेफ मानते हैं, सिक्योर मानते हैं, अपनी सांसारिक जिंदगी में अब आप प्रतिष्ठित होते हैं और हमेशा इस चक्र पर काम करके आप अपने मन को पूरी तरह से शांत कर सकते हैं, अपने फिजिकल वर्ल्ड को आप बैलेंस कर सकते हैं, पूरी तरह से आप यहाँ पे बैलेंस हो रहे हैं, अपने आसपास अपनी भौतिक जिंदगी से पूरी तरह से जुड़ रहे हैं और उसके अंदर की सारी खूबसूरती को अब आप देख पा रहे हैं।
इस चक्र का मंत्र है लम, और जब भी आप ये बीज मंत्र लम बोलेंगे, आप इस चक्र को और साफ और शांत और बैलेंस महसूस कर सकते हैं। तो हम बोलेंगे एक बार मंत्र लम 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 शांत। और देखिए बोलते ही आपका बेस ऑफ द स्पाइन, आपका मूलाधार चक्र एक नई ऊर्जा में आ चुका है। इसे चलने दीजिए, इस चक्र को जागृत रहने दीजिए। अब हम यहाँ से अपना ध्यान ऊपर थोड़ा सा अपने स्वाधिष्ठान चक्र सेक्रल चक्र पर ले जाएंगे, नाभि के 2 इंच नीचे नारंगी ऑरेंज रंग का ये चक्र आपकी क्रिएटिविटी, आपकी सेक्सुअल एनर्जी के लिए जिम्मेदार है। किसी भी तरह का तनाव यहाँ पे अगर दिख रहा है तो अगली 3 सांसों के साथ उसे बाहर जाने दें, बहने दें उस तनाव को बाहर, और इस हिस्से को भी पूरी तरह से साफ और स्थिर कर दें। एक लंबी गहरी सांस अब इस चक्र में भरने दीजिए और महसूस कीजिए किस तरह की हरकत सेंसेशन, किस तरह की फीलिंग्स आपको यहाँ से उठ रही है। और हम इसको भी धीरे धीरे चार्ज करेंगे, बैलेंस करेंगे। इस चक्र का मंत्र है वम। हम धीरे धीरे इस मंत्र को बोलेंगे जिससे कि ये चक्र पूरी तरह से बैलेंस हो जाए और आपको क्रिएटिव पावरफुल लाइफ जीने में मदद करे। सांस भरते हुए सारा ध्यान अपने स्वाधिष्ठान पे रखते हुए वम 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 शांत हो जाए। महसूस करें किस तरह की खूबसूरत ऊर्जा यहाँ से निकल रही है। पूरे कमरे में ये नारंगी ऑरेंज की शक्ति प्रवाहित हो रही है, फैल रही है, और आपके ऑरा में अब ये धीरे धीरे प्रतिष्ठित हो रही है, जिससे कि अब आप कहीं पर भी जाएं ये शक्ति आपसे कनेक्टेड रहेगी। अब अपना ध्यान अपने मणिपुर चक्र सोलर प्लेक्सस नाभि के ऊपर पेट पर ले जाएं। ये है आपका एक्शन वाला जोन, पावर चक्र, फायर हाउस। यहाँ से आप में वो सारा मनोबल आता है जिसकी वजह से आप अपनी जिंदगी में कुछ भी हासिल कर सकते हैं जो आपने चाहा है। अपने अंदर एक नया आत्मविश्वास भर सकते हैं जिससे आप कुछ भी हासिल करेंगे और आसानी से वो पा सकेंगे। दृढ़ निश्चय खुद ब खुद आ जाएगा। पीले रंग का ये चक्र, इसको भरेंगे हम रम की ध्वनि से। इसका बीज मंत्र है रम। शुरू करेंगे अब हम एक लंबी गहरी सांस इसमें भरते हुए। सांस छोड़ते हुए किसी भी तरह के तनाव को हम छोड़ देंगे बाहर, जिससे कि ये चक्र हमारे मनोबल को और पक्का करे, हमारी शक्ति को बढ़ाता रहे। सारी एनर्जी क्लीन होने पर सांस भर के
हम अपना मंत्र उच्चारण करेंगे। राम राम राम। महसूस करें किस तरह की हरकत अब इस चक्र में हो रही है, मणिपुर चक्र में, पेट के इस हिस्से में किस तरह की सेंसेशंस आपको महसूस हो रही है। अपने निचले तीनों चक्रों को अब आपस में कनेक्टेड महसूस करें। मूलाधार, स्वाधिष्ठान और ऊपर चलती रहेगी ये ऊर्जा मणिपुर चक्र का, और देखिए कि धीरे धीरे आप बैलेंस हो रहे हैं, अपने हर चक्र का फायदा उठा सकते हैं। इस ऊर्जा को ऊपर की तरफ खींचे आप छाती के ठीक बीचों बीच, रिब केज के बीच में, अपने हार्ट चक्र, अनाहत चक्र पे, हरे रंग का ये चक्र आपके प्रेम भाव, आपकी जिंदगी को प्रेम के भाव से भरता है, ईर्ष्या से मुक्त करता है, जलन से मुक्त करता है, और जिंदगी की सारी खुशियां प्रेम भाव आप तक पहुंचाता है। इस ब्रह्मांड में मौजूद किसी भी तरह का प्रेम भाव आप तक खुद पहुंचेगा, सारे ब्रह्मांड की सहायता आप तक पहुंचेगी जब आप अपना हृदय चक्र, अपना अनाहत चक्र खोल देंगे। देखिए किसी भी तरह का तनाव अगर यहाँ है, सांस छोड़ते हुए उसे बहने दे शरीर से बाहर। और आसान हो गया है इसको साफ करना, इसको शांत करना। खूबसूरत सा हरे रंग का ये चक्र और उज्जवल हो जा रहा है, इसका प्रकाश अपने कमरे में भरता हुआ देखें। और अब हम इसका मंत्रोच्चारण करेंगे। इसकी ध्वनि है यम। लंबी गहरी सांस अपने छाती में भरते हुए छाती को पूरी तरह से खोलने दें। यम यम शांत हो जाए, चेहरे पर मुस्कान कायम रखें। महसूस करें कितना शांत महसूस हो रहा है शरीर के सारे अंगों में। आपका हृदय, आपका पेट, आपके पैर सब पूरी तरह से शांत हो चुके हैं, एक दूसरे से जुड़ चुके हैं, एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं हार्मनी में, और आपको अपनी बेहतरीन जिंदगी की तरफ ले जाते जा रहे हैं। अब अपना ध्यान अपने गले पर ले आए, थ्रोट चक्र, विशुद्धि चक्र। इस चक्र का रंग नीले रंग का होता है, हल्के नीले रंग का। देखिए किस तरह का तनाव यहाँ पर आप दबा कर बैठे हैं। कभी की कोई बात जो दिल में दबा के बैठे हुए हैं और नहीं निकलने की, यहाँ पे एक तनाव महसूस करवाती है। शायद से कुछ लोग इस समय खांसना भी शुरू करते हैं। निकलने दे उस सारे भाव को जो आपको जिंदगी में योगदान नहीं दे रहे। निकलने दे, बहने दे, जाने दे, उन्हें छोड़ दे पीछे। और एक लंबी गहरी सांस अब इसमें भरे, एक नई ऊर्जा इसमें भरे, जिससे कि अब ये चक्र बैलेंस हो और अब आप हमेशा अपना सच बोल सकें, अपने आप को प्रेम पूर्वक व्यक्त कर सकें,
अपने क्रिएटिव एनर्जी को बहने दें और अपने पावरफुल रूप में इस दुनिया में अपनी जगह लें। इस चक्र का मंत्र है हम अब शुरू करेंगे इसका उच्चारण, और हर उच्चारण के साथ देखें कि एक नीले रंग की शक्ति आपके शरीर से प्रवाहित होते हुए आपके पूरे कमरे में भर रही है, आपको और ऊर्जावान कर रही है। हम 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 देखिए किस तरह से आपकी पूरी रीढ़ की हड्डी के रास्ते में मौजूद सारे चक्र साफ और शांत हो गए हैं, पूरी तरह से बैलेंस होके सब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहे हैं, जिनकी ऊर्जा आपके कमरे में भी प्रवाहित हो रही है और आपके शरीर के बाहरी हिस्से पे जो सफेद ऊर्जा से आपने अपने आप का घेराव किया था, अब वो इन रंगों से भी चमक रही है। इंद्रधनुष के सारे रंग आपके शरीर के बाहरी ऊर्जा में, आपकी ऑरा में भरे जा रहे हैं और हर चक्र का, हर रंग का फायदा आपको पूरी तरह से मिलने जा रहा है, ले जा रहा है। अब अपना ध्यान अपने भौं के ठीक बीच, अपनी तीसरी आंख, थर्ड आई चक्र, आज्ञा चक्र, रजना चक्र पर ले जाएं। यहाँ पे भी एक प्रकाश महसूस करें जो इस पूरे हिस्से को शांत कर रहा है, किसी भी तरह की ऐसी एनर्जी जो यहाँ पर काफी समय से बैठी हुई है उसे अब छोड़ दें, जो अब आपको योगदान नहीं देगी, जाने दें वो सारी चीजें जो अब आपकी जिंदगी के लिए फायदेमंद नहीं है, बहने दें इसे बाहर, जाने दें इसे पूरी तरह से। एक लंबी गहरी सांस इस हिस्से में भरते हुए अपने आज्ञा चक्र का मंत्र ओम हम अब बोलेंगे। देखिए कि किस तरह से अब आप में दूर दृष्टि आ रही है, किस तरह से आपके तीसरी आंख उन हालातों को भी देख पा रही है जो अभी घटे नहीं है। आपकी सारी इंट्यूशन बढ़ गई है, अपनी अंतरात्मा से अब आप वो सब देख सकते हैं जो भौतिक जीवन में दिखता नहीं। आपकी दृष्टि साफ हो गई है हर चीज को देखने के लिए, अपने विचारों को देखने के लिए, अपने भावों को देखने के लिए, दूसरों के विचारों और भावों को देखने के लिए। एक दिव्य शक्ति आपके अंदर अब बह रही है और उसकी वजह से आप सबको उनके सबसे अच्छे रूप में देखने में सक्षम है। और आप अपना ध्यान अपने सर के ठीक ऊपर, क्राउन चक्र, सहस्रार पर ले जाएं। बैंगनी कलर की यहाँ की ऊर्जा है और ये धीरे धीरे ऊर्जा ब्रह्मांड में जुड़ जाती है, सफेद हो जाती है। जब ये ऊर्जा हमारी
हमसे जुड़ जाते हैं, हम हमेशा अपने आप को इस ब्रह्मांड का हिस्सा महसूस करते हैं, उस परमात्मा से जुड़ जाते हैं जिसने इस सब की रचना की है। खुद की काबिलियत हम पहचान जाते हैं और एक तरह की करुणा हमें भर जाती है जिसे हम हर जीव तक पहुंचा सकते हैं। इस चक्र के जागृत होने के बाद आप जिंदगी में हमेशा अपने आप को संपूर्ण महसूस करेंगे, आत्मनिर्भर हो जाएंगे और जिंदगी के सच हमेशा के लिए समझ जाएंगे, सारी अपेक्षाओं से मुक्त हो जाएंगे। इसकी ध्वनि ओम से शुरू होती है और शांत हो जाती है। तो एक हल्का सा ओम हम मन में ही बोलते हैं, उसकी कोई ध्वनि उस तरह से नहीं चलेगी, बिल्कुल शांत हो जाना ही इसका काम है। तो एक हल्के से ओम के बाद हम बिल्कुल शांत हो जाएंगे और इन सारे चक्रों के काम को, रंगों को हम अपने शरीर में महसूस करेंगे। शांति को महसूस करें, हड्डियों में, मांसपेशियों में, सेल्स में, टिश्यूज में, खून के बहाव में, और इन सारे रंगों को अपने शरीर के चारों तरफ महसूस करें, ऊपर भी, नीचे भी, सामने भी, पीछे भी, दाएं भी, बाएं भी, और देखिए कि किस तरह से ये प्रकाश अब आपका घेराव करेंगे, इस ऊर्जा को अब हर वक्त अपने साथ रखें, चाहे आप किसी से भी मिलें, चलें, कोई काम करें, या सोएं या जागें, जब भी आप इस स्थिति में आना चाहें आप दोबारा यहाँ पर आ सकते हैं। सिर्फ लंबी गहरी सांस और हर मंत्र का उच्चारण करके आप दोबारा इस स्थिति में शांत भाव में आ जाएंगे और अब धीरे धीरे हम इस सारी ऊर्जा को अपने अंदर समाते हुए अपने फिजिकल वर्ल्ड में वापस आएंगे। एक मन सी मुस्कान अपने चेहरे पे, अपने शरीर पे महसूस कीजिए, अपने शरीर को शुक्रिया अदा कीजिए इस पूरे मेडिटेशन के अंदर आपका साथ देने के लिए, उस दिव्य शक्ति का शुक्रिया अदा कीजिए जिसने आपको बैलेंस किया है आज। और अब मैं 5 से 1 तक की गिनती करूंगी, हम धीरे धीरे अपने शरीर में वापस आएंगे। 5, शांत होते हुए एक मन सी मुस्कान चेहरे पर लाते हुए, 4, अपने सारे शरीर में हर्षोल्लास महसूस करते हुए, 3, एक अच्छी वाइब्रेशन में बिल्कुल अपने आप को अपने परम रूप में देखते हुए, 2, अपने दोनों हथेलियों को सामने ले आए नमस्ते के स्थिति में, इन्हें रगड़िए और दोनों को अब अपनी आंखों के ऊपर रखें, तीसरी आंख को कवर करते हुए, अब इन्हें अपने कान से गुजारते हुए अपने गले पर ले जाएं, अपनी बाहों पर ले जाएं, फिर से अपनी आंखों पर लाएं। And 1, eyes open, wide awake. Welcome back, welcome back, welcome back.
ये था हमारा चक्रा बैलेंसिंग मेडिटेशन। इस वीडियो को आप रोज देखें, रोज करें, या मैं कहती हूँ कि हफ्ते में एक बार जरूर वक्त निकालकर आप चक्रा बैलेंसिंग करें। उससे आपका पूरा हफ्ता, पूरा दिन बहुत अच्छा गुजरता है, आप अपनी पावर जान पाते हैं। तो इसको मेंटेन रखें अपने शरीर के अंदर, करते रहें। और आप सबसे गुजारिश है YouTube पे जरूर सब्सक्राइब करें, जरूर अपने सवाल मुझे भेजिएगा, इनबॉक्स कर दीजिए। मेरा Facebook ID भी यहाँ पर लिखा हुआ है, मेरा Instagram ID भी यहाँ पर लिखा हुआ है, और मेरा YouTube ID भी लिखा हुआ है meenakshi.pai। तो जरूर जरूर सपोर्ट कीजिएगा, मेरे YouTube पे जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वहाँ पे और भी इस तरह के मेडिटेशन हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने आप को तनाव से मुक्त कर सकते हैं, एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सकते हैं। और आज के लिए मैं इस सेशन को यही समाप्त करती हूँ, क्योंकि हमारा वक्त पूरा हो चुका है। पर आप सबको शुक्रिया। नमस्ते। गॉड ब्लेस यू ऑल।